लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों को लेकर शहर के व्यापारी पुलिस प्रशासन से बेहद खफा है। अपनी नाराजगी जताते हुए सभी व्यापारियों ने विरोध स्वरूप शहर के मुख्य चौक पर जाम लगा दिया और पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बात की सूचना मिलते ही डीएसपी उमेश सिंह मौके पर पहुंचे, व्यापारी को एक सप्ताह में चोरों को पकड़ने का आश्वासन दिया। लोगों में इसमें रोष है, हमने इसके लिए चोरों के लिए दरपोड के लिए अलग से प्रयास करे हुए हैं और हम शीघ्र इन चोरों को पकड़ देंगे। तो पहले भी कल भी चोरी हुई है, लगातार चोरियों का जारी है। जो कल वाली चोरी है वो भी 5 बजे हुई है, वो जो हमारा टाइम टेबल था 9 अगस्त का, वो हमने चेंज कर दिया है। आगे से ऐसी चोरी नहीं होगी, जो सुबह सुबह चोरी होती नहीं, चोर सोचते हैं ये सो गए, सारी पब्लिक दुकानदार सारे सो रहे हैं, पुलिस वाले सो गए, वो हमने टाइम चेंज कर दिया है। एसपी के आश्वासन के बाद व्यापारियों ने भी चेतावनी देते हुए जाम हटाया। व्यापारियों ने पुलिस को चेतावनी दी, अगर तय समय में उनकी समस्या का हल नहीं हुआ तो व्यापारी बड़ा आंदोलन करेंगे और कार्रवाई करने की इन्होंने रुचि दिखाई, लेकिन अभी तक चोरी जब तक ट्रेस हुई तब तक हमारी संतुष्टि नहीं हुई। अगर एक हफ्ते में कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? 101% हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। पहले भी आंदोलन हमने करना था, लेकिन हमें इन्होंने संतुष्टि दिखाई जब स्टाफ बढ़ा दिया गया, गश्त बढ़ा दिया है और गश्त बढ़ भी गई थी, हमें इस बात की थोड़ी सी संतुष्टि हो रही थी कि अब गश्त बढ़ गई है तो ठीक होगा, लेकिन अगर चोरियां नहीं रुकी तो हम बिल्कुल बड़ा कदम उठाएंगे, हम शहर भी बंद कराएंगे, जाम भी करेंगे, जो जो एक प्रजातांत्रिक तरीके से हम विरोध कर सकते हैं वो करेंगे। बता दें शहर में लगातार हो रही चोरियों से व्यापारी काफी परेशान है, इससे परेशान होकर मजबूरीवश शहर के व्यापारी को ये कदम उठाना पड़ा। आज सुबह भी टोहाना के मुख्य बाजार में महालक्ष्मी नामक दुकान में 70,000 की चोरी की खबर मिली। चोरी की खबर मिलते ही व्यापारी आक्रोश में आ गए। बता दें इससे पहली रात को भी एक अन्य दुकान से 2 लाख की चोरी हुई थी। इस घटना के बाद शहर के सभी व्यापारियों ने एकजुट होकर शहर के मुख्य बाजार पर जाम लगा दिया। इंडेक्स प्रेस के लिए टोहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट।